फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज से अपन बात करेंगे राइट पास्चर के बारे में। करेक्ट पास्चर मतलब सीधी मुद्रा, सही मुद्रा। तो उसमें आपको खड़े होना है, बैठना है और सोना है। ये तीनों में आप जब सही पास्चर रखेंगे तो आपका कोई भी पार्ट दर्द नहीं करेगा। ना आपको कभी थायराइड होगा, ना आपको कभी सर्वाइकल होगा, ना आपको कभी कमर में दर्द होगा, ना आपके पैर वगैरह दुखेंगे। तो फ्रेंड्स, खड़े होने की जहाँ तक बात है तो आपको स्ट्रेट खड़े होना है। इसके लिए अपन कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको वर्बली बता देती हूँ थोड़ी सी कैसे आपको खड़े होना है, बैठना है। तो देखिए फ्रेंड्स, खड़े होने के लिए आप स्ट्रेट खड़े होंगे। खड़े होने में क्या है, आपका गर्दन, शोल्डर और थाइस और एड़ी, ये सारी एक सीध में आना चाहिए, आप एक लाइन में आना चाहिए। आपको ऐसे खड़े होना, सीधे सामने देखना है और बस ऐसे सीधे खड़े होना है। आपको ऐसे सीधे चलना भी ऐसे ही आपको स्ट्रेट। और जहाँ तक बैठने की बात आती है तो आपको, आप कंप्यूटर पे या इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं ऐसे, या आप ऐसे झुक के बैठते हैं, तो वो सारा आपको खत्म करना पड़ेगा और आपको स्ट्रेट चेयर पे बैठना पड़ेगा। तो उसमें बैठने में आपकी एड़ी, ये कमर का पोर्शन, हिप और ये आपके शोल्डर और नेक और ईयर्स, ये सारे आपके एक सीध में होना चाहिए। मतलब आपको स्ट्रेट बैठना है, आपको गर्दन सीधी ऐसे रख के बैठना है, ठीक है। आप नीचे भी बैठते हैं तो या तो आप वज्रासन में बैठिए या फिर अर्ध पद्मासन में बैठिए, तो आपका पास्चर अपने आप उससे सुधर जाएगा। तो आपकी जो सर्वाइकल वाला पोर्शन है, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम वाला कमर का पोर्शन है, वो एकदम स्ट्रेट ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। और लेटने का जहाँ तक है तो आप या तो हार्ड थोड़े से पिलो को गद्दे पे लेटिए, आप हार्ड बिस्तर पे, तो और कमर के बल लेटिए, कमर से आपको सोना है सीधे। और तकिया पतले से पतला, कम से कम तकिया रखिए आप, या ना रखें तो ज़्यादा ही बेहतर है। तो और फिर आप अगर करवट से सोते हैं तो दोनों थाइस के बीच में आप एक पिलो, पतला सा पिलो या बेडशीट घड़ी करके आप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपका पास्चर करेक्ट रहेगा। नहीं तो आप पिलो नहीं लगाते तो आपके पैर पूरे ऐसे झुक जाते हैं, फिर उससे कमर बेंड होती है और आपके दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अब अपन आज से 3-4 एक्सरसाइज शॉर्ट्स बनाएंगे इसके लिए, ठीक है।